नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी में। मित्रों, आज काफ़ी दिन बाद मैं एक नया वीडियो लेके सामने आ रहा हूं। कुछ कारणों से थोड़ा देर हुई, तो आज का जो टॉपिक है वो बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है और इतिहास के विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का टॉपिक है संस्कृत भारतीय ज्ञान परंपरा का भंडार। मित्रों, इसके पहले कि मैं अपना आज की चर्चा शुरू करूं, आपसे अपील करता हूं कि आप चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें। तो आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। मित्रों, किसी भी राष्ट्र का इतिहास उस राष्ट्र के साहित्य में सन्निहित होता है और प्राचीन भारत के स्वर्णिम इतिहास को हम संस्कृत साहित्य के माध्यम से समझ सकते हैं। भारत का गौरवमय अतीत संस्कृत भाषा में ही सुरक्षित है। इसे देवभाषा कहा जाता है और इसकी लिपि को देवनागरी कहा जाता है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत में जब से लिखित इतिहास, या जिसे हम ये कहते हैं कि हिस्टोरिकल एज में जब से हम आते हैं, ऐतिहासिक काल में आते हैं, जब से हमें लिखित इतिहास मिलने लगता है, तो वो हमें संस्कृत भाषा के माध्यम से ही मिलता है। जैसे सबसे पुराने ग्रंथ जो हैं वो भारत के, वो वेद हैं। वेद केवल भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के सबसे पुराने ग्रंथ हैं और वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। उसके बाद और भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए वैदिक साहित्य या वैदिक वाङ्मय जिसे हम कहते हैं, वो बहुत विशाल साहित्य है और उसमें वेदों के अलावा वेदों के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो भी आते हैं, उसमें उपनिषद आते हैं और उसमें आरण्यक आते हैं, उसमें सूत्र साहित्य है, उसमें और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं, योग वशिष्ठ वगैरह है सब। आगे चल करके हम ये देखते हैं कि रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ भी जो धार्मिक साहित्य है हमारा, उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। तो इस तरह से फिर लौकिक साहित्य का दौर प्रारंभ होता है और लौकिक साहित्य में बहुत सारे एक से एक हमारे पास लेखक थे, एक से एक कवि थे जिन्होंने संस्कृत भाषा के माध्यम से ज्ञान का अपार भंडार हमारे सामने प्रस्तुत किया रखा। तो संस्कृत का अर्थ होता है परिष्कृत, यह संसार की प्राचीनतम और सबसे व्यवस्थित भाषा है। यह मात्र सभ्य और सुसंस्कृत लोगों की भाषा नहीं अपितु मनुष्य मात्र की व्यवहार भाषा थी और प्राचीन काल में इसने राजभाषा की भूमिका भी निभाई। मित्रों, अब जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि संस्कृत केवल पढ़े लिखे लोगों की भाषा है, लेकिन ऐसा नहीं था। संस्कृत पढ़े लिखों की भाषा हो सकता है बाद के समय में हो गई हो, लेकिन प्रारंभ में ये बोलचाल की भाषा थी और व्यवहार की भाषा थी। यहाँ तक कि रामायण और महाभारत काल में भी संस्कृत बोलचाल और व्यवहार की भाषा थी। अब आप देखिए, हनुमान जी जब लंका में गए थे और लंका में जब सीता जी को से उनको मुलाकात करनी थी, सीता जी को राम की अंगूठी देनी थी उन्होंने, तो उन्होंने ये सोचा कि सीता मैया से हम किस भाषा में बात करें। अंत में उन्होंने बड़ा सोच समझ करके निश्चय किया कि जो आम व्यवहार की भाषा है, बोलचाल की भाषा है, उसी में उनसे मैं बात करता हूँ। तो उन्होंने उनसे संस्कृत भाषा में बातचीत की थी। तो इस तरह से ये बोलचाल की भाषा थी, मनुष्य मात्र के व्यवहार की भाषा थी प्राचीन काल में, और आगे चल करके यही बोलचाल की भाषा जो थी वो राजभाषा की भूमिका में भी सामने आई, राजभाषा की भूमिका भी इसने निभाई। संस्कृत भाषा भारतीय ज्ञान परंपरा का संवाहक रही है। अब जैसे आजकल जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें भारतीय ज्ञान परंपरा के ऊपर बहुत बल दिया गया है कि विद्यार्थी जो है वो भारतीय ज्ञान परंपरा के विषय में जाने, और भारतीय ज्ञान परंपरा का ज्ञान तभी हो सकता है जब संस्कृत भाषा में लिखे गए ग्रंथों का, संस्कृत भाषा के अपार भंडार का उनको ज्ञान।
तो यह वेद भाषा, लोक भाषा, आदि भाषा के रूप में प्रतिष्ठित रही थी। महाभारत के शांति पर्व में भी संस्कृत भाषा का उल्लेख है। जैसा कि पहले भी हमने कहा कि यह विश्व की प्राचीनतम भाषा थी, सबसे पुरानी भाषा थी और संसार की सभी भाषाओं की जननी इसे कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि संसार की 5,000 से अधिक भाषाएं जो है वो संस्कृत से ही निकली हैं। भारत में बोली जाने वाली जितनी भी भाषाएं हैं आजकल, वो चाहे बंगला हो, चाहे उड़िया हो, चाहे हिंदी हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे जो कुछ भी हो, जितनी भी भाषाएं यहाँ दक्षिण भारत की भाषाएं हैं, सभी की जननी जो है वो संस्कृत ही है। और जो आर्य भाषा पूरी दुनिया में बोली जाती है, वो भी आप यूरोप की भाषाओं को देखें तो यूरोप की भाषाएं जो हैं उनकी जननी भी संस्कृत ही है। क्योंकि आर्य लोग जहाँ तक गए, अब ये एक गलत सिद्धांत बता दिया गया है आर्यों का, एक आक्रमण की थियरी दे दी गई है कि आर्यों का आक्रमण हुआ भारत के ऊपर। हालांकि अब ये बातें धीरे धीरे खंडित हो रही हैं। तो संस्कृत भाषा जो है वो दुनिया के हजारों भाषाओं की जननी रही है। संस्कृत भाषा भारत के संपूर्ण ज्ञान, विज्ञान, दर्शन, धर्म, साहित्य, ललित कला, भूगोल, खगोल, ज्योतिष आदि जितने भी विषय हैं उन सब विषयों का कोष है। एक तरह से जिसे अंग्रेजी में आप कहते हैं ट्रेजर, तो एक ऐसा खजाना है, एक ऐसा कोष है जिसमें आप कुछ भी ढूंढ सकते हैं। वेद, ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक, सूत्र साहित्य, योग वाशिष्ठ, उपनिषद, रामायण, महाभारत, भगवद गीता, पुराण और अनेक इस तरह के जैसे स्मृति ग्रंथ हैं, तमाम इस तरह के ग्रंथ हैं, बहुत सारा वैज्ञानिक साहित्य हमारे पास उपलब्ध है। तो ये सारा जो है ग्रंथ जो संस्कृत भाषा में सारे ग्रंथ जो लिखे गए हैं वो केवल भारतीयों के ही नहीं अभी तो विश्व की धरोहर है। और इस बात को यूरोपीय विद्वान भी मानते हैं। जैसे मैक्स मुलर को आप ले लीजिए, मैक्स मुलर वो कहता है कि वेद, पुराण, उपनिषद ये सब जो है ये केवल भारत की ही धरोहर नहीं है बल्कि ये विश्व की धरोहर है और सबका ये काम, दुनिया के सारे देशों की ये जिम्मेदारी है, ये उनका कर्तव्य है कि वो इनकी रक्षा करें। पहले वैदिक और लौकिक संस्कृत में कोई भेद नहीं था, किंतु कालांतर में संस्कृत भाषा के दो रूप सामने आए, वैदिक संस्कृत तथा लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत वेदों से संबंधित साहित्य से संबद्ध रही है तथा लौकिक संस्कृत जनसाधारण की भाषा रही। रामायण काल तक दोनों में अंतर स्पष्ट हो गया था। मित्रों, संस्कृत के दो रूप हमारे सामने हैं। एक तो वेदों की भाषा थी जिसे कि वैदिक संस्कृत कहा जाता था, और बाद में जो भाषा विकसित हुई धीरे धीरे आगे चल करके, अब जैसे आप देखिए कालिदास के ग्रंथ हैं, भारवी के ग्रंथ हैं, भास के नाटक हैं, तो ये सब जो ग्रंथ हैं ये सब लौकिक संस्कृत में लिखे गए हैं। तो एक विशाल साहित्य हमें मिलता है। एक तो वैदिक साहित्य है जिसे हम वैदिक वाङ्मय के रूप में जानते हैं, और बाद में लौकिक साहित्य का विशाल भंडार हमें मिलता है। तो इस तरह से संस्कृत के दो रूप हमें प्राप्त होते हैं, और दोनों ही रूप अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही विशेष है, और उनका अध्ययन अध्यापन बहुत ही आवश्यक है अगर हमें भारत के प्राचीन इतिहास को जानना है, अगर हमें भारत की संस्कृति को समझना है, भारत की सभ्यता को समझना है, तो संस्कृत भाषा को समझना आवश्यक है, क्योंकि संस्कृत भाषा में ही सब कुछ सुरक्षित है। आधुनिक काल में अनेक विदेशी विद्वानों ने संस्कृत भाषा और उसमें सन्निहित ज्ञान विज्ञान की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। अब जैसे आप देखिए, जब भारत पे ब्रिटिश हुकूमत की स्थापना हुई, ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई, तो बहुत सारे विद्वानों ने जब भारत के प्राचीन इतिहास की खोज की, यहाँ की भाषाओं के ऊपर अध्ययन किया उन्होंने, तो उन्हें यह जान करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि संस्कृत के रूप में भारत के पास एक ऐसी वैज्ञानिक भाषा थी जिसका दुनिया में कोई मुकाबला नहीं था, और उस भाषा में अपार अमूल्य खजाना छुपा हुआ था जो कि भारत को विश्व गुरु का दर्जा देता था। और सर विलियम जोन्स जो कि एक जज के रूप में
भारत में आए थे, उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया, और संस्कृत का अध्ययन करने के बाद जो है उन्होंने संस्कृत की प्रशंसा में, संस्कृत की तारीफ में बहुत कुछ लिखा। बिल ड्यूरा, आर्थर मैकडोनल, आप मैक्स मूलर इत्यादि संस्कृत की प्रशंसा करते थकते नहीं है बहुत। अब जैसे मैक्स मूलर ने एक पुस्तक लिखी है कि व्हाट इंडिया कैन टीच अस, भारत हमें क्या सिखा सकता है, और उस ग्रंथ में उन्होंने संस्कृत भाषा में लिखे गए तमाम ग्रंथों का उल्लेख किया है, उनसे उदाहरण दिए हैं कि भारत हमें बहुत कुछ सिखा सकता है। अगर हम शांति से जीना चाहते हैं, शांति से जीवन यापन करना चाहते हैं, और सारे विश्व में भाईचारे का संदेश देना चाहते हैं, तो संस्कृत का अध्ययन आवश्यक है। क्यों? क्योंकि भारत में वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा थी। यहाँ पे ये कहा जाता था कि अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये तेरा है, वो मेरा है, इस तरह की बातें तुच्छ लोग करते हैं, और उदार चरित्र वाले लोगों के लिए सारा संसार एक परिवार के समान है। जैसे वेद में भी हमें ये मिलता है, यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, जहाँ के सारा संसार एक घोंसले जैसा हो जाता है। हमारे यहाँ जियो और जीने दो का सिद्धांत था। हमारे यहाँ आज यूरोप में उदारतावाद एक नया राजनीतिक सिद्धांत है, लेकिन हमारे यहाँ पहले, बहुत पहले कहा जाता था, सर्वे भवन्तु सुखिनः, संतु सर्वे निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख मा भवेत्। सभी, हमारे यहाँ सभी के सुख की कामना की जा सकती थी, की जाती थी, सभी के निरोग होने की कामना की जाती थी। आज भी आप देखिए, जब पूजा पाठ कर लेते हैं तो उसके बाद हम यही कहते हैं कि प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, अधर्म का नाश हो, धर्म की जय हो। तो भारतीय विद्वानों के साथ साथ और भी बहुत सारे विद्वान जो विदेशी विद्वान थे, उन्होंने प्रशंसा की है संस्कृत भाषा की। अब जैसे आप वेन सांग, जो कि चीनी यात्री था, मोनियर विलियम्स, W.W. हंटर, शेरावत्स्की, मैकडॉनल, मैक्स मूलर, रिच डेविड्स, ऐसे न जाने कितने नाम हैं। इस छोटे से वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा इनके बारे में डिटेल में नहीं बता सकता, लेकिन अगर आप इन सब के बारे में पढ़िए, इनकी राइटिंग्स को पढ़िए, तो आप ये देखेंगे कि संस्कृत की प्रशंसा करते हुए ये थकते नहीं हैं। और संस्कृत भाषा को पाणिनि ने एक अद्वितीय और अद्भुत व्याकरण प्रदान किया, और ये व्याकरण अपने आप में संपूर्ण था। और इस व्याकरण को सॉरी और इस व्याकरण की प्रशंसा पूरी दुनिया में होती है। इतना अच्छा व्याकरण इसके पहले लिखा नहीं गया, अद्भुत था। मित्रों, महर्षि पतंजलि ने पाणिनि के व्याकरण के सूत्रों पर महाभाष्य की रचना की, और उन्हें संस्कृत व्याकरण का सबसे बड़ा आचार्य कहा। तो यह विश्व का सबसे व्यवस्थित और सबसे वैज्ञानिक व्याकरण है। मोनियर विलियम्स, जो कि बहुत बड़े विद्वान थे, संस्कृत भाषा के भी विद्वान थे, तो वो ये कहते थे कि मानव मस्तिष्क की पराकाष्ठा है, यानी कि इससे अधिक अच्छा और इससे अधिक संगठित है, इससे अधिक सटीक व्याकरण लिखा ही नहीं जा सकता। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार संस्कृत में वह शक्ति है जो नए नए विचारों और भावों को बड़ी सरलता से व्यक्त कर सकती है। मित्रों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो अपने भाषणों में संस्कृत की मुक्त कंठ से प्रशंसा किया करते थे, और वो ये कहा करते थे कि हमारे पूर्वजों ने एक बहुत बड़ा अनुसंधान किया, भाषा विकास के नियमों का उन्होंने अध्ययन किया, फिर भाषा को संस्कृत बनाया, अर्थात परिष्कृत बनाया, और तब उन नियमों को व्याकरण का रूप दिया, और आज भी इसका नियंत्रण वही व्याकरण करता है। तो पाणिनि ऋषि की कृति इस दृष्टि से अद्भुत है, अनोखी है। मित्रों, जब यूरोपीय विद्वानों ने संस्कृत का अध्ययन किया तो उन्हें भी महान आश्चर्य हुआ, और उन्हें जान करके ये बड़ा आश्चर्य हुआ कि यूरोप की भाषाओं का संस्कृत के साथ कोई पुराना संबंध रहा है। उन्होंने संस्कृत के साथ
तारतम्य बिठाने का प्रयास किया, उसके साथ संबंध जोड़ने का प्रयास किया, और संस्कृत, फारसी, लातीनी, यूनानी, स्लाव, तीतोनी, केल्ती आदि जितनी भी भाषाएं थी, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि ये सारी एक ही वंश की भाषाएं हैं। इसी ज्ञान ने संसार की सभी भाषाओं के अध्ययन का एक नया व्यापक कारण प्रस्तुत किया। तो संस्कृत भाषा जो है वो न केवल भारत के लिए अपितु पूरे विश्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। संस्कृत के जितने भी ग्रंथ हैं वो प्रामाणिक हैं, और ये ग्रंथ हजारों की संख्या में हैं, और उनसे आप बहुत सी जटिल समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं, उनमें ढूंढ सकते हैं। उदाहरण के लिए आप भगवद गीता ले लीजिए। भगवद गीता के बारे में बहुत सारे लोग, अब विद्वान जो है वो ये कहते हैं कि संसार में कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान भगवद गीता में नहीं। यहाँ तक कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो जो कि बहुत ज़्यादा धर्म में रुचि नहीं रखते थे, लेकिन गीता की एक प्रति वो अपने जेब में रखते थे, और वो भी ये मानते थे कि संस्कृत एक अद्भुत रूप से संपन्न भाषा है और बहुत ही रिच, जिसे कहते हैं वो अंग्रेजी में कि बहुत ही रिच लैंग्वेज है, और इसका कोई मुकाबला नहीं है, अद्वितीय है, अद्भुत है। सर विलियम जोन्स का कहना था कि संस्कृत भाषा चाहे जितनी पुरानी क्यों न हो उसका गठन अद्भुत है, वह यूनानी भाषा की तुलना में अधिक परिपूर्ण है, लातीनी की तुलना में अधिक संपन्न है, और दोनों की तुलना में अधिक परिष्कृत है। तो जवाहरलाल नेहरू की बात जैसे अभी हमने कही कि वो इसे एक हरी भरी संपन्न व्याकरणबद्ध अलंकृत और भरी पूरी भाषा मानते हैं, जो कि अपने मूल को पकड़े हुए है आज भी, जो अपने मूल से, अपने जड़ से अलग नहीं हुई है। मित्रों, संस्कृत भाषा केवल एक भाषा ही नहीं है बल्कि वो राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, और भारत के प्रत्येक कोने में इसका प्रयोग होता है। भारतवर्ष की 3/4 जनसंख्या के जीवन में प्रत्येक शुभ अवसर पर संस्कृत के मंत्रों का पाठ और श्रवण किया जाता है। इस भाषा के साथ हम भारतीयों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। संस्कृत संसार की सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा है तथा इसकी लिपि भी विश्व की सबसे वैज्ञानिक शुद्ध व सरल लिपि है। आजकल आप देखते हैं संस्कृत को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। आप संस्कृत भाषा को पढ़ें, देवनागरी लिपि पे मैंने एक अलग से वीडियो बना के डाली हुई है, आप उसको देख सकते हैं। तो वैज्ञानिकता का जहाँ तक सवाल है, दुनिया भर के भाषा वैज्ञानिकों ने संस्कृत भाषा को सबसे अधिक वैज्ञानिक भाषा माना है। मित्रों, वर्तमान समय में संस्कृत को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त भाषा माना जाता है। नासा जैसी जो रिसर्च एजेंसी है उसका भी यह मानना है कि भविष्य में यह कंप्यूटर की भाषा का दायित्व निभाएगी, और इसे लैंग्वेज ऑफ लैंग्वेजेस कहा जाता है, यानी कि भाषाओं का सम्राट आप कह सकते हैं, लैंग्वेज ऑफ लैंग्वेजेस। यूरोपियन विद्वानों ने हिंदू मस्तिष्क व मनीषा को समझने हेतु नौजवानों को संस्कृत भाषा सीखने की सलाह दी थी। संस्कृत वेदों की भाषा है और वेद सर्वधर्म समभाव की विचारधारा के पोषक हैं, अर्थात सभी धर्मों में समभाव रखना, सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखना जो है, ये वेदों की शिक्षा थी। और संस्कृत जो है, कहीं भी संस्कृत भाषा में जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया है कि हम दूसरों का अनादर करें, दूसरों की भाषा का अनादर करें, दूसरों के धर्म का अनादर करें, ऐसा कहीं नहीं कहा गया है। तो संस्कृत भाषा में बहुत सारे ऐसे नैतिक ग्रंथ मिलते हैं हमें, जो नैतिक शिक्षा देने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे शतक हैं, जैसे नीति शतक है, बहुत सारे इस तरह के शतक लिखे गए हैं जिनमें जीवनोपयोगी बातें कही गई हैं। बहुत सारे जैसे चाणक्य नीति है या आप विदुर नीति है, इन ग्रंथों का अध्ययन एक सामान्य पाठक को भी करना चाहिए। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी संस्कृत के बारे में लिखते हैं कि पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि ने
संस्कृत के रूप में एक चमत्कार पूर्ण भाषा हम भारतीयों को दी है, जो प्रादेशिक भाषाओं के ऊपर रहकर आपातकाल में भी संपूर्ण राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधती रही, जिसमें हमारी सारी साधनाएं हैं, जिसमें हमारी भावनाएं जिससे हमारी जुड़ी हुई हैं, जिस भाषा में हमारी आकांक्षाएं मूर्त हुई हैं। तो इस तरह से संस्कृत हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा रही है और आगे भी रही है, और हमें जो है प्राण प्रण से, वो कहते हैं कि हमें वो प्राण प्रण से उसकी रक्षा करनी चाहिए। हमने अभी राष्ट्रीय एकता की बात की, ये केवल हमारे भारतीय विद्वान नहीं कहते हैं बल्कि विदेशी विद्वान भी कहते हैं। 1937 ईस्वी में त्रिवेंद्रम ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस के अवसर पर उसकी अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर एफ एफ टॉमस ने भारतवर्ष में एकता लाने में संस्कृत के महत्व को बहुत अधिक बताया था। उनका यह कहना था कि भारत में एकता लाने में संस्कृत का बहुत बड़ा हाथ है, और उन्होंने जो है ये परामर्श भी दिया था भारतीयों को कि संस्कृत की पढ़ाई लिखाई पर, संस्कृत की शिक्षा पे अधिक से अधिक जोर दिया जाना चाहिए। जैसे मैक्स मूलर भी ये कहता था कि आज का जो भारत है, आज का भारत जो है वो प्राचीन भारत के साथ संस्कृत भाषा के माध्यम से ही जुड़ा हुआ है। संस्कृत भाषा ही वो डोर है जिसने जो है आधुनिक भारत और प्राचीन भारत को एक दूसरे से जोड़ रखा है। तो इस तरह से मित्रों, सभी संस्कृत की तारीफ करते हैं। डॉक्टर राधा कृष्णन भी संस्कृत की बहुत प्रशंसा करते हैं। डॉक्टर राधा कृष्णन का भी ये मानना है कि भारत की कोई अन्य भाषा संस्कृत का स्थान नहीं ले सकती है, क्योंकि हमारी संस्कृति और आंतरिक भावना के साथ संस्कृत का जितना घनिष्ठ संबंध है, उतना अन्य किसी भाषा का नहीं है। यदि हम अपनी महान विरासत को खो बैठे, यानी अगर हम संस्कृत को खो बैठे, तो फिर हमारी पहचान मिट जाएगी, हम भारतीय नहीं रह जाएंगे। मित्रों, उपनिषद जो है वो सारा संसार, जितने भी विदेशी विद्वान हैं, सब उपनिषदों को ये मानते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा की चरम परिणति उपनिषदों के रूप में सामने आई है। उपनिषद जो है वो वेदों का ही भाग है, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है, और वेद में जिस दार्शनिक शोध का प्रारंभ हुआ था उसकी चरम परिणति उपनिषदों में हुई। तो ये भारतीय ज्ञान परंपरा की अमूल्य निधि है, इसमें ऋषियों की अमर वाणी का संग्रह है। ज्यादातर उपनिषद जो है प्रश्नोत्तर में है, जटिल से जटिल प्रश्न शिष्य अपने गुरुओं से करते हैं और गुरु उसका उत्तर उन्हें देते हैं। तो प्राचीन भारत के लोग विज्ञान, कला, धर्म, दर्शन, आयुर्वेद, वास्तुकला, नृत्य, संगीत, साहित्य, नाट्य कला, खगोल, भूगोल, ज्योतिष, शिक्षा, राजनीति, अर्थशास्त्र, व्यापार, वाणिज्य इत्यादि नाना प्रकार के विषयों के क्षेत्र में शिखर पर पहुंचे, और जिसका विवरण संस्कृत ग्रंथों में भरा पड़ा है। संस्कृत एक अक्षय पात्र के समान है, कभी न समाप्त होने वाला ज्ञान उसमें भरा हुआ है। आप किसी भी विषय में, आप आयुर्वेद के ग्रंथ खोजेंगे, आप हमारे पास चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, हमारे पास वेद है, पुराण है, उपनिषद है, रामायण है, महाभारत है, हमारे पास वास्तुकला पर एक से एक उत्कृष्ट ग्रंथ है, हमारे पास नृत्य कला, संगीत कला के अनेक ग्रंथ हैं, हमारे पास साहित्य के अनेक ग्रंथ हैं, खगोल भूगोल ज्योतिष शिक्षा राजनीति सब पे अमूल्य ग्रंथ संस्कृत भाषा में है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो कि इंडियन पॉलिटी के ऊपर या भारतीय राज्य व्यवस्था के ऊपर सबसे अच्छी पुस्तक है प्राचीन काल की। इसी तरह से हमें उस काल के व्यापार वाणिज्य आदि के बारे में भी संस्कृत ग्रंथों से बहुत कुछ पता चलता है। तो संस्कृत निश्चित रूप से एक अक्षय पात्र के समान है, जिसका ज्ञान का भंडार कभी समाप्त नहीं हो सकता। मित्रों, संस्कृत भाषा को अनेक विश्व प्रसिद्ध विद्वानों को उत्पन्न करने का श्रेय है।
वाल्मीकि, व्यास, कौटिल्य, अश्वघोष, कालिदास, भारवी, भवभूति, भास, अमर सिंह, गौतम, कपिल, कणाद, जैमिनी, बादरायण, शंकराचार्य, बृहस्पति, मनु, पराशर, याज्ञवल्क, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, बाणभट्ट, कल्हण, बिल्हण और न जाने कितने कवि हैं, भारवी, भवभूति। तो ऐसे न जाने कितने कवि हैं, न जाने कितने विद्वान हैं जिन्होंने संस्कृत साहित्य को गौरवान्वित किया है और भारत का नाम पूरी दुनिया में प्रसिद्ध कर दिया है। दुर्भाग्य से बहुत सारे आजकल स्वार्थी तत्व पैदा हो गए हैं, संस्कृत के खिलाफ राजनीति हो रही, संस्कृत के विरुद्ध राजनीति की जा रही है और संस्कृत भाषा के विरुद्ध एक षड्यंत्र किया जा रहा है, उसको षड्यंत्र का शिकार बनाया जा रहा है। इसे मात्र कर्मकांड की भाषा बताया जा रहा है तथा कुछ लोगों द्वारा इसे मृत भाषा घोषित कर दिया गया है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। जिन्होंने संस्कृत पढ़ी है, जिन्होंने संस्कृत में मनन चिंतन किया है, जिन्होंने भारतीय दर्शन को समझा है, जिन्होंने भारतीय संस्कृति को समझा है, जिन्हें सनातन धर्म में आस्था है, जिन्हें अपने प्राचीन ज्ञान विज्ञान में आस्था है, उनके लिए संस्कृत कभी भी मृत भाषा नहीं हो सकती है। मित्रों, संस्कृत भारतीयों को अपने पूर्वजों से प्राप्त एक आश्चर्यजनक और अमूल्य विरासत है। यह भारतीय मनीषा व मानव बुद्धि की चरम अभिव्यक्ति है। भारतीय संस्कृति इसमें रची बसी है। आज दुनिया भर में संस्कृत के अध्ययन अध्यापन पर विशेष बल दिया जा रहा है। दुनिया भर में प्रत्येक प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में संस्कृत भाषा के विभाग स्थापित किए जा रहे हैं। एक यह शुभ संकेत है, परंतु हमारे देश में राजनीति का शिकार हो रही है। आज आप सोशल मीडिया पे देखते हैं कि कितने विदेशी बच्चे सस्वर संस्कृत के मंत्रों का, वेदों के मंत्रों का उच्चारण करते हैं, देख करके मन आह्लादित होता है। मित्रों, बहुत सारे विदेशी विश्वविद्यालयों, खास करके जर्मनी में, आप इवन आजकल ऑक्सफोर्ड में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, हर जगह, बल्कि यहाँ तक भी देखने में आया है कि कितने जो विदेशी राष्ट्राध्यक्ष थे, उन्होंने जो है अपना पद ग्रहण करते समय संस्कृत में मंत्रोच्चार करवाया। तो इस तरह से जहाँ विदेशों में संस्कृति की प्रतिष्ठा हो रही है, वहाँ हमारे देश में ये राजनीति का शिकार हो रही है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय सभ्यता व संस्कृति के ज्ञान से आज की युवा पीढ़ी दूर होती जा रही है। उसका एकमात्र कारण यही है कि उन्हें संस्कृत और संस्कृति में आस्था नहीं रह गई है। इसका एकमात्र कारण संस्कृत भाषा और उसमें सन्निहित ज्ञान की उपेक्षा है। पश्चिम की सभ्यता का अंधानुकरण किया जा रहा है। अब समय आ गया है जब भारत सरकार को इस विषय में गंभीरता से चिंतन करना चाहिए और कुछ नवाचार करना चाहिए। संस्कृत भाषा की पढ़ाई कम से कम जो है इंटरमीडिएट तक अनिवार्य करनी चाहिए। विज्ञान और कंप्यूटर आदि की पढ़ाई में संस्कृत के प्रयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। कुछ ऐसा करना चाहिए, कुछ इस तरह का प्रचार प्रसार करना चाहिए जिससे कि संस्कृत में हमारे विद्यार्थियों की रुचि जगे। संस्कृत के एक प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं श्री हर्ष, जिन्होंने नैषध चरित्रम नामक ग्रंथ की रचना की थी, और इसमें एक प्रसंग आता है कि नल दमयंती के स्वयंवर में भाग लेने के लिए अनेक राजकुमार विभिन्न क्षेत्रों से एकत्रित होते हैं और उन सबकी मातृभाषा अलग अलग थी, अतः आपस में वार्तालाप करने के लिए वे संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं। अन्योन्य भाषा नवबोध भीते संस्कृतिर्माभिर व्यवहार वत्सु दिग्भ्य समेतेषु नृपेषु तेषु सौवर्ग वर्गौ न जनैर्चिह। तो संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा थी जो व्यवहार की भाषा थी, बोलचाल की भाषा थी, और नैषध चरित्र इस बात का प्रमाण है कि लोग आपस में बोलचाल के लिए संस्कृत भाषा ऐसी थी जो सब जगह पूरे भारत में समझी जाती थी, बोली जाती थी। तो अलग अलग क्षेत्रों से आए लोग संस्कृत भाषा में वार्तालाप किया करते थे। तो अंत में यही कहना चाहूंगा मित्रों कि अमृतम संस्कृतम मित्र, सरसम सरलम वचः, एकता मूलकम राष्ट्रे, ज्ञान विज्ञान पोषकम। संस्कृत अत्यंत सरल है, अमृत है, और बोलने में सरल है, सुनने में सरल है, राष्ट्र को
एक सूत्र में बांधने वाली भाषा है। यह भाषा ज्ञान विज्ञान की पोषक है। अतः आप सभी जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, उम्मीद है कि आप सभी को संस्कृति और अपने संस्कृत भाषा के प्रति, भारतीय संस्कृति के प्रति रुचि जगेगी। मैं ये नहीं कहता कि आप में रुचि नहीं है, लेकिन संस्कृत भाषा सीखिए। संस्कृत भाषा सीखने से आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आपने ध्यान से इस वीडियो को सुना, और आगे फिर किसी नए विषय पर वीडियो लेके आपके समक्ष शीघ्र ही उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।